हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 को रीड किया था। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बी क्वेश्चन में गिवन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, अ पंचुअल बॉय। ऑप्शन ए, डज नॉट मिस हिज स्कूल। बी, Does not do work on time. C, does not misuse things. D, does not waste his time. तो बच्चों इसका आंसर है A, does not miss his school. Second, who is not willing to work? A, option A, peacock. Option B, dog. Option C, parrot. Option D, Rohit. तो बच्चों इसका आंसर है डी, रोहित। थर्ड, लेजीनेस इज फॉर अस। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी बैड, ऑप्शन सी यूजफुल, ऑप्शन डी हेल्पफुल। तो बच्चों इसमें क्या है आंसर? बी, बैड इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, सी पार्ट में गिवन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद? रोहित को बगीचे में खेलने के लिए कोई भी मित्र क्यों नहीं मिला? चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद बिकॉज दे हैड गोन टू स्कूल। रोहित को बगीचे में खेलने के लिए कोई भी मित्र नहीं मिला क्योंकि वे स्कूल जा चुके थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित? बगीचे में पक्षियों तथा जानवरों ने रोहित के साथ क्यों नहीं खेला? तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका आंसर। द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन डिड नॉट प्ले विद रोहित बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क्स। बगीचे में पक्षी तथा जानवर और रोहित के साथ नहीं खेले क्योंकि वे सभी अपने कार्यों में बिजी यानी व्यस्त थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम, व्हाई? कहानी के अंत में रोहित के माता पिता उससे खुश थे, व्हाई, क्यों? चलिए बच्चों देखते हैं आंसर। इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम बिकॉज ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल डेली। रोहित सॉरी कहानी के अंत में